आज इस श्रृंखला के पेट्रोनियल पेट्रॉन मेमोरियल सीरीज का तीसरी कड़ी है ये। और अपने गुरुओं की याद में हमने ये सीरीज को आज और यादगार बनाने के लिए अपने फैकल्टी मेंबर्स को इनवाइट किया है। और एज यूजुअल अपने कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार से करना चाहेंगे। मैं पंडित प्रवीण जी से अनुरोध करूंगा कि वो अनम्यूट करें और मंत्रोच्चार से इस कार्यक्रम की आज के श्रृंखला की शुरुआत करें। पंडित प्रवीण जी। जय गणपति जय गणपति की पंडित जी। जय गणपति की। गणेशाय नमः। हस्तूपीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमोक्तिकं करतले कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् स्वललितम् कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयति गोपालचूड़ामणि पुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनम् वरहावतं सप्रियम् श्रीवशाङ्कमुदारकौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपशङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादं पदम् दिव्यांगं भूषं भजे। सारे गोविंद को प्रणाम करते हुए आज की वर्षा ऋतु के ऊपर, वर्षा ऋतु लग गई तो एक मंत्र इस पर भी किस प्रकार से मेघनाद कर रहे हैं और किस प्रकार से मेढक अपनी बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से विद्युत चमक रही है, किस प्रकार से हमारे राधे गोविंद शोभायमान हो रहे। मेघानाद घटा घटा घटे घटा घाटा घटा घू घटा मंडू कस्य बको बको बक बको बाको बको गु बको विद्युत ज्योत चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते नंद कुमार गोप बनिता वाचस्पति पातु वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
ओम सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय गणपति। जय गणपति के पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने, आज लगता आप अलग ही मुद्रा में थे, आज आपने वर्षा ऋतु का आह्वान कर लिया है, इसका मतलब है समर सोल्स्टिस लग चुका है और आद्र नक्षत्र में प्रवेश किए हुए समय बीत गया है, तो उम्मीद करता हूँ इस बार वर्षा अच्छी होगी। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आप लोगों के मध्य में ज्यादा देर नहीं आऊंगा। आज के 6 वक्ता हैं आपके सामने। पहले वक्ता डॉक्टर अरुण त्रिपाठी कानपुर चैप्टर के चेयरमैन थे, बट वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जगह पर उनके वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर कमलेश गुप्ता जी को भेजा हुआ है। कमलेश गुप्ता जी, आपको आज ये बताएंगे कि जब भी किसी ग्रह का बहिर्वे नक्षत्रों में है क्या प्रभाव हो सकता है। दूसरे वक्ता चेन्नई चैप्टर से सरिता जी हैं। तीसरे, अभी जिनका मंत्रोच्चार सुना हुआ था, पंडित प्रवीण जी, तीसरे वक्त पंडित प्रवीण जी होंगे। चौथे डॉक्टर वाणी विनोद सिकंदराबाद से हैं। इनको मौका बहुत कम मिला है सुनने को नॉर्थ इंडिया में। मैं चाहता हूँ कि आप उनके ज्ञान का जरूर इफेक्ट उठा लें, अपना बेनिफिट लें उसका। और हितेश शर्मा बेंगलोर से, और सबसे अंत में हमारे सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री एम अंजनेलू, वो नक्षत्रों का विवाह और एनुअल हॉरोस्कोप के संबंध के बारे में बताना चाहेंगे। आज के इन 6 वक्तों का आप ज्ञान का आनंद उठाएं, ज्ञान गंगा उठाएं। कुछ कारणों से मैं शायद एक्टिव रोल से नहीं ले पाऊंगा, तो मैं ब्रिगेडियर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को संभालने की कमाल संभाल लें, और आप आने के बाद कमलेश गुप्ता जी को आमंत्रित करें और हर वक्ता को आधे घंटे का समय दिया हुआ है, उसी हिसाब से कार्यक्रम। ब्रिगेडियर शर्मा जी, ओवर टू यू फॉर मैनेजिंग। कमलेश सर। हाँ सर। हाँ जी सर, शुरू करूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीन आप ऑन कीजिए। सभी श्रोताओं मेरा सादर प्रणाम। आज त्रिपाठी जी के न होने की वजह से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो मैंने अभी क्लासेस लेते समय और प्रैक्टिस के दरमियान जो अनुभव में पाया है कि ग्रह जो सामान्यतः अपना भावों का फल करते हैं, कारक का फल करते हैं, और जिस भाव में होते हैं उसका फल तो करते ही करते हैं और नवांस का भी फल करते हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत जबरदस्त अनुभव में आ रही है मेरे कि ग्रह जिस नक्षत्र में जा रहा है उस नक्षत्र के स्वामी का भी वो फल करता है। जैसे बेसिक एग्जाम्पल के रूप में समझे तो मान लीजिए चंद्रमा आपका वृक राशि में स्थित है, तो वृक राशि में उसको जो नक्षत्र मिल रहे हैं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, तो सामान्य तौर पर हम यह समझ लेते हैं कि चंद्रमा हमारा उच्च का बैठा है और उसका जो भी फल होता है हम उसको उसी हिसाब से उच्च का मान करके फलित करने लगते हैं। जबकि यहाँ पर थोड़ा सा सबमिशन ये हो सकता है कि आपको ये देखना चाहिए कि इन 3 नक्षत्रों में से चंद्रमा किस नक्षत्र में जा रहा है। अगर वो कृतिका नक्षत्र में है तो निश्चित रूप से वो सूर्य का फल करेगा, रोहिणी नक्षत्र में है तो अपना फल करेगा, और अगर मृगशिरा में जा रहा है तो मंगल का फल करेगा। यानी इस जो चंद्रमा हमें उच्च का दिख रहा होता है उसके पास 3 प्लेनेट का फल हो सकता है। तो ये अपन को कुंडली में उसकी डिग्री को देख करके ये एसेस करना पड़ता है कि वो इन 3 नक्षत्रों के स्वामियों में से किसका फल करेगा। अब ये हो सकता है कि चंद्रमा उच्च का हो, लेकिन उसी कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि का पड़ गया है तो निश्चित रूप से चंद्रमा के माध्यम से सूर्य जिस भाव का स्वामी होकर के नीच का हो रहा है उसका फल आपको देखने में प्रायोरिटी में सबसे आगे मिलेगा। इसे सर प्लीज, सर प्लीज आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करना है, एक सेकंड। कैमरा ऑन हो गया कि नहीं? जी सर, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो ठीक है। अच्छा, तो मैं अपने ऊपर नीचे करूँ, कुछ सही हुआ? जी परफेक्ट सर, धन्यवाद। तो अब जैसे मान लीजिए सूर्य अगर आपका नीच राशि में बैठ गया है और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में चला गया, तो भले ही चंद्रमा उच्च का है, चतुर्थ चरण कृतिका का चतुर्थ चरण होगा,
तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा अपना जिस किसी भी भाव का स्वामी होकर के उच्च का आ रहा है, सामान्य सिद्धांत से आप वह फल कंसिडर करने के बावजूद इस फल को अगर देखेंगे कि चंद्रमा जिस सॉरी सूर्य जिस भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में गया, वह फल ज्यादा एक्यूरेसी से मिल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा जब वृक राशि में अपने नक्षत्र में होगा तो निश्चित रूप से चंद्रमा जिस भाव का स्वामी उसका फल यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उस भाव का फल आपको काफी अच्छा मिलेगा। जबकि वही चंद्रमा है उच्च का है, लेकिन यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में होने के कारण या रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण या मृक्षरा नक्षत्र में होने के कारण जब मंगल की स्थिति हम देखेंगे तो उस कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, अगर वहां पर मंगल उच्च का है तो निश्चित रूप से काफी अच्छा फल आएगा, बशर्ते वह मंगल योग कारक हो। मेरे ख्याल से ये सब आइडिया आप लोगों को होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह योग कारक होता है, कौन सा अकारक होता है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे आप लोग तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा फलित आपका होने लग जाएगा। अब जब हम ये कहते हैं कि ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी का फल करता है, तो इसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे महादशानाथ का फल हो, चाहे अंतरसानाथ का फल हो, चाहे साढ़े साथी का फल हो, चाहे अन्य किसी ग्रह के ट्रांजिट का फल हो, जिस ग्रह को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांजिट में ही टारगेट कर रहे हो, तो उस समय आप यह देखिए कि वो पर्टिकुलर प्लेनेट किस स्टार में जा रहा है और वो स्टार लॉर्ड आपकी अपनी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, उसका फल वो ट्रांजिट में निश्चित रूप से काफी अच्छा कर रहा होता है और काफी मतलब पोटेंशियल फल वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो हमने अनुभव में पाया है कि हम जो सामान्य सिद्धांत से फलित कर रहे हैं उसमें इसको अगर जोड़ लिया जाए तो हमारा फलित काफी और अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे नक्षत्र का फल तो करता ही करता है कोई भी प्लेनेट, नक्षत्र का फल करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सूर्य के नक्षत्र में जब चंद्रमा गया तो हमने आपसे कहा कि सूर्य जिस भाव का स्वामी होकर के नीच का हुआ होगा उसका फल करेगा। इसी प्रकार सूर्य जैसे कारक जिसका है उसका फल भी वो करेगा, चंद्रमा ही करेगा। जो चंद्रमा उच्च का था लेकिन कृतिका के चतुर्थ चरण में होने के कारण उसके पास जो सूर्य का फल आया, तो सूर्य जिन जिन चीजों का कारक होता है वह फल भी चंद्रमा के द्वारा अपनी दशा में या पूरी लाइफ में प्राप्त होता रह सकता है। इसी तरह से आप जब और आगे बढ़ेंगे, मैं सिद्धांतों की व्याख्या कर रहा हूँ, फिर मैं एग्जांपल आपके सामने लूंगा कुछ एक, तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक अगली चीज आती है, जैसे जो हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बेसिकली चंद्रमा शुक्र और बुध, इनके साथ क्या है कि अगर इसको केतु का नक्षत्र मिल जाए, अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र मिल जाता है हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह को, और इसका स्टार लॉर्ड हो गया हमारा केतु, तो जो स्टार लॉर्ड केतु हुआ, अगर यह केतु पीड़ित हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे आठवें भाव में जा करके या बारहवें भाव में जा करके या किसी अन्य भावों में शनि और मंगल के बीच में फंस करके या उनके साथ बहुत नजदीक हो करके, तो यह एक बड़ा एक्यूरेट फल आ रहा है कि चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति जो अश्विनी मघा या मूल नक्षत्र में गए और इन नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज 12th हाउस में या एयर्थ हाउस में या अन्य किसी जगहों पर शनि और मंगल के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से चंद्रमा शुक्र या गुरु का रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बुरा आ रहा है और ये काफी हद तक हम लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टार लॉर्ड है, अगर वो शुभ ग्रहों का स्टार लॉर्ड केतु बन रहा है और केतु पीड़ित हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा अशुभ फल मिलता है। इसी सिद्धांत को अगर आप और बढ़ा दें तो किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड कोई भी हो, अगर वह पीड़ित हो गया कहीं भी जा करके, जैसे वो नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, पापयुत तो हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए, छठे आठवें बारहवें भाव में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से जो आपका टारगेट प्लेनेट था, जिस प्लेनेट को लेकर के आप फलित कर रहे थे, चाहे दशानाथ के रूप में या अंतरदशानाथ के रूप में, लेकिन चूंकि उसका स्टार लॉर्ड पीड़ित हो गया है, निश्चित रूप से वह स्टार लॉर्ड वो जिसका कारक है वो चीज डैमेज हो रही है आपकी लाइफ से, या वो जिस भाव में बैठा वो भाव डैमेज हो रहा है, या वो जिसका स्वामी होकर के आ रहा है वह भाव का रिजल्ट डैमेज हो रहा है। इसको आप वाइस वर्सा उलट भी सकते हैं, जैसे जिस किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड अगर बहुत अच्छा पोटेंशियल बैठा है, योग कारक है, भाग्य स्थान में, केंद्र स्थान में या किसी अन्य राजयोग में शुभ ग्रहों के साथ बैठ रहा है, तो वही प्लेनेट जिसकी दशा आप देख रहे हैं या वो प्लेनेट जिसे आप कंसिडर कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होता है।
ये चीजें कभी कभी हमारे जो हम सामान्य सिद्धांत अप्लाई करते हैं उसके ऊपर लगता है, तो हमें लगता है कि हमारे सामान्य सिद्धांत का अच्छा अपवाद ये है, तो इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए अपने मतलब डे टू डे की लाइफ में प्रेडिक्शन करते समय, तो काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। अब बेसिक रूप से हम ये जानते हैं कुंडली में कि भाई अष्टम भाव या अष्टमेश सबसे बुरा ग्रह माना जाता है, तो अब इसी को अगर हम थोड़ा सा एलोबोरेट करें स्टार सिद्धांत को ही, तो किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड अगर अष्टमेश के नक्षत्र में चला गया और वह पीड़ित हो गया, और मजे की बात है कि वह अष्टमेश स्वक्षेत्री हो जाए, तो यह स्थिति बड़ी खराब बन जाती है और निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा फल मिलता है। तो ये चीजें जो स्टार बेस्ड हमारा मतलब प्रेडिक्शन है, ये हम कहीं अगर छोड़ रहे हैं तो मेरा ये निवेदन होगा कि आप इसे कंसीडर करें और निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा फल पाएंगे। अब अगर हम कुछ इस तरीके से और सारे बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, क्योंकि तो समय का अभाव है, जो केस अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो ये सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका स्टार लॉर्ड है अगर वो पाप कर्तरे में आ जा रहा है या वो शुभ कर्तरे में आ जा रहा है, शुभ योगों के साथ बैठ जा रहा है, वो जो सारे सिद्धांत जो सामान्य सिद्धांत है वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन वो सब स्टार लॉर्ड के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो प्लैनेट जिसके स्टार में जा रहा है उसका स्टार लॉर्ड कैसा है उसके ऊपर काफी दारोमदार है और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो फलित कर रहा है। इसे आप लोगों को अपने डे टू डे की लाइफ में या फलित करते समय ध्यान देंगे तो काफी अच्छा आप इंजॉय करेंगे एस्ट्रोलॉजी के फल को। अब इन्हीं सिद्धांतों को मैं प्रयास कर रहा हूँ कार बुक केस में आपको समझाने का, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप आपके पास कुछ हो सिस्टम लैपटॉप वगैरह या मतलब मोबाइल, तो आप उस पर डेट टाइम प्लेस नोट कर लें, या मैं डायरेक्ट कुंडली बोल रहा हूँ जिसमें आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि इसका क्या इफेक्ट आया इसकी लाइफ में। एक कुंडली है 21 अगस्त 1971 की दोपहर 2:10, इस जातक का जन्म मध्य प्रदेश भिलाई में हुआ है। वृश्चिक लग्न की यह कुंडली बन रही है और इसमें जो केतु है वो भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, और यह केतु शनि से भी द्रष्ट है, बृहस्पति से भी द्रष्ट है और मंगल से भी द्रष्ट है। अब ये देखिए, मैंने जो अभी केतु की आपसे चर्चा की थी कि अगर केतु पापी ग्रहों से पीड़ित हो और शुभ ग्रह इसके स्टार में चले जाते हैं तो वह फल बड़ा बुरा हो जाता है। यद्यपि यहाँ पर केतु भाग्य स्थान में था और वह बृहस्पति से द्रष्ट भी था, किंतु यहाँ पर वह शनि और मंगल से भी द्रष्ट है। अब ये तो हुआ केतु की पोजिशन, अब इसके स्टार में यानी केतु के स्टार में जो प्लैनेट आया है वो है चंद्रमा शुक्र। मैंने आपसे कहा था कि जो शुभ ग्रह हैं अगर वो केतु के स्टार में आ जाएं और वो पीड़ित हो जाते हैं तो बहुत ही अशुभ फल कर रहे हैं। यहाँ पर इस जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों केतु के स्टार में गए और केतु यहाँ पर भाग्य स्थान में वो करके शनि मंगल से दृष्ट है, यद्यपि बृहस्पति से भी दृष्ट है, लेकिन इसकी पूरी लाइफ में आज तक ऐसा कोई भी रिजल्ट बृहस्पति का नहीं आ पाया है जो मैं यह कहूँ कि हाँ ये रिमार्केबल है। यह जातक जन्म से लेकर के आज तक कुछ भी नहीं कर पाया है और इसका हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब रहा है। अपना यह ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वर्किंग नहीं कर सकता, नॉर्मल वर्किंग पूरी करता है, पढ़ा भी है, बीटेक भी किया इसने, लेकिन कहीं कोई जॉब नहीं कोई इसका व्यवसाय चल पाया, और यह चंद्रमा और शुक्र के पीड़ित होने की वजह से ही मैं समझ रहा हूँ कि फल बना है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग महादशा ही थी वो चंद्रमा की ही थी और चंद्रमा के बाद इसको जो है दशा शुक्र की भी मिली है ना। तो इस तरीके से यह जातक अपनी लाइफ में काफी पीड़ित बना रहा, मतलब शुक्र की नहीं, सारी चंद्रमा की दशा से इसकी ओपनिंग हुई और उसके बाद यह पीड़ित रहा। सूर्य की भी दशा ही, सूर्य भी इसका केतु के ही स्टार में था। तो कहने का मतलब यह है कि जबकि इतना अच्छा योग था, दशम स्थान पर सूर्य स्वक्षेत्री थे, लग्न स्थान पर बृहस्पति अपनी राशि में वृश्चिक राशि में बैठे थे, दिग्बली भी थे, लेकिन इन सब के बावजूद दशम में सूर्य का किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट इसे आज तक नहीं मिला, जबकि सूर्य की पूरी महादशा भी इसकी बीत गई और शुक्र की भी दशा बीती, लेकिन शुक्र में भी इसको परेशानी ही हुई। कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूँ यह सिद्धांत यहाँ पर कितना अच्छे से लग रहा है, इसे आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कुछ यह सिद्धांत समझ में आया होगा। इस सिद्धांत को मैं एक और केस पे लगा रहा हूँ। ये आपके सामने दूसरा एक केस है जिसमें 18 फरवरी 1954 का जन्म है
और इसका समय 2:10 दोपहर का है। यहां पर देखें आप तो केतु 8वें घर में है। जैसा कि हमने सिद्धांत में आपको बताया था कि अगर केतु 8वें 12वें स्थान पे हो या पीड़ित हो तो उसके स्टार में गया हुआ प्लैनेट उसको ज्यादा दिक्कत करता है। यहाँ पर केतु 8वें स्थान पे है और यह शनि से द्रष्ट है क्योंकि शनि यहाँ पे लाभ स्थान पे है। धनु लग्न की ये कुंडली है, अगर जो लोग नहीं खोल पाए हो तो बना सकते हैं। धनु लग्न की कुंडली है, 8वें स्थान पर केतु बैठे हैं और 9वें स्थान सिंह राशि में चंद्रमा है 7 डिग्री पर और लाभ स्थान पे मंगल है 16 डिग्री के, सॉरी शनि 16 डिग्री के हैं। यह शनि ने इनके केतु को देख लिया है, तो शनि ने यहाँ केतु को देख लिया है और इनका जो चंद्रमा है जो कि भाग्य स्थान पे था लेकिन यह केतु के नक्षत्र में आ गया है। मघा नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं जिसके स्वामी केतु जी हैं और केतु अष्टम स्थान पे हैं और शनि से ये द्रष्ट रहे। ठीक है, अब यहाँ पर भी यह जातक कुछ भी नहीं कर पाया जबकि काफी अच्छी खासी एज हो गई, लगभग 70 साल की अवस्था है, तो हम दावे से कह सकते हैं अब तो शायद ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसको यह रिजल्ट भुगतना पड़ा अपनी लाइफ में। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी यह केतु अकेले ही इस तरीके से रोल प्ले कर देता है कि पूरी लाइफ को मतलब ये ट्रबलसम बना सकता है अगर केतु पीड़ित हो जाए और शुभ ग्रह इसके स्टार में आ जाए और केतु शनि मंगल से पीड़ित हो। तो यह योग बड़ा अच्छा देखने को आया है, दो केस में तो ये बहुत ही अच्छा है दिखा। आप भी इसको टेस्ट करें और फिर अगर सही लगता है तो इसे हम लोग आगे शेयर कर सकते हैं। यह सिद्धांत अपने आप में काफी अच्छा है। अब आगे चलते हैं, एक और केस मैं आपके सामने ले रहा हूं। यह केस है जिसमें इस जातक का जन्म 30 सितंबर 1971 को हुआ है। इस जातक का जन्म 30 सितंबर 1971 को हुआ है, शाम को 5 बजे इलाहाबाद इसका जन्म स्थान है। ये मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में लाभ स्थान पर राहु चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। ठीक है, और इसके जो प्लैनेट्स हैं उसमें से अधिकांश प्लैनेट चंद्रमा के स्टार में है। सूर्य चंद्रमा के स्टार में है, चंद्रमा खुद चंद्रमा के स्टार में है, मंगल भी चंद्रमा के स्टार में है, शुक्र भी चंद्रमा के स्टार में है, शनि भी चंद्रमा के स्टार में है और राहु भी चंद्रमा के स्टार में है। और चंद्रमा खुद लाभ स्थान में पंचमेश होकर के योग कारक मंगल के साथ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से राहु भी इन्हीं का फल पकड़ लेगा या इनको राहु का फल पकड़ना है। तो इस तरीके से लाभ स्थान से इनके काफी प्लैनेट कनेक्टेड हैं और यह जातक अपने जन्म के समय तो काफी मतलब पुअर कंडीशन में था लेकिन धीरे 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 हर तरीके से इसने जहाँ भी जो भी काम किया इसको लगातार फायदा होता ही चला गया और आज इसके पास एक सिनेमा हॉल, एक कोल्ड स्टोरेज और एक अच्छा होटल है और अच्छी खासी पोजिशन में ये रन कर रहा है। जबकि सारा योग लाभ स्थान में स्थित ग्रह चंद्रमा मंगल और राहु का ही बना क्योंकि इसी के स्टार में मैक्सिमम प्लेनेट इनके गए। कहने का तात्पर्य यह था कि अगर इस कुंडली को आप देखें तो केवल बुध बृहस्पति और केतु ये तीन ग्रह हटा दिए जाएं तो सारे ग्रह चंद्रमा मंगल और राहु के ही स्टार में थे और ये तीनों ही ग्रह चूंकि लाभ स्थान पर थे तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिद्धांत का अच्छा खासा ये एग्जाम्पल है जहाँ पर ये पूरा का पूरा फलित हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ माने, ये आपके तमाम जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं उसके साथ में इस सिद्धांत को भी लगाने की आवश्यकता महसूस होती है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो रही होगी कि स्टार कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक अगला केस ले रहा हूँ जिसमें है जातक का जन्म 5 मार्च 1965 को शाम को 4:45 बजे हुआ है। ये जातक जौनपुर में इसका जन्म हुआ है। ये कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है, इसके लग्न में मंगल है, 4थे स्थान पर केतु है, 7वें घर में शुक्र शनि सूर्य और बुध हैं, चंद्रमा 8वें पे हैं, बृहस्पति 9वें स्थान पर और 10वें में राहु महाराज बैठे हैं। अब इसके इनके जो चंद्रमा है ये 8वें घर में है और यह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है जिनके स्वामी शनि हैं। देखिये शनि यहाँ पर 7वें घर में स्वक्षेत्र में,
और वो सूर्य से पीड़ित हैं, लेकिन वहां पर उनको शनि का सपोर्ट है, वह सक्षेत्री हैं। चंद्रमा, इनको चंद्रमा बहुत इनका खराब गया, चंद्रमा की दशा इनके बहुत खराब थी, इसके बावजूद यह जातक फाइट करके निकल आया और आज अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि ये 10-20 रुपए का भी मोहताज था मतलब। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक और स्टार का खेल है, जहाँ पे इनका सूर्य जो है, जो लग्नेश है, वह सूर्य यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जिनके स्वामी बृहस्पति महाराज हैं जो कि भाग्य स्थान पर हैं, और खुद बृहस्पति महाराज जो कि इनके भाग्य स्थान पर हैं वो कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से यह एक स्टार एक्सचेंज हुआ, बृहस्पति सूर्य के स्टार में चले गए और सूर्य बृहस्पति के स्टार में चले आए। इस स्टार एक्सचेंज ने इनकी लाइफ में, जो चंद्रमा शनि के स्टार में जाकर के अपने से 12th हाउस में पहुंच करके नेगेटिविटी बना रहा था इनके मतलब लाइफ में, इनका मैरिज डिले हुआ, पत्नी से इनका डाइवोर्स हुआ, इनकी दो बेटियां हुई, यह सारी चीजें तो बहुत ही खराब रही, लेकिन अल्टीमेट यह जो है जातक आज की तारीख में अच्छा बिजनेसमैन हो गया है और इसकी रिमैरिज भी हो चुकी है और वेल सेटल्ड है आज की तारीख में। तो कहने का मतलब है कि स्टार एक्सचेंज ने भी अपना काम किया और चंद्रमा जो शनि के स्टार में थे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, इनका फल भी इनको मिला। एक सिद्धांत यहाँ पर मैंने आपसे साथ शेयर करना भूल गया था कि प्लैनेट जिस स्टार में होता है वो स्टार लॉर्ड प्लैनेट से जहाँ जाता है उसका भी वो फल करता है। तो इस केस में चंद्रमा जैसे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गया तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो शनि है वो चंद्रमा से 12वें स्थान पर आए थे, जिसके कारण इस और 7वां घर वो लग्न से पड़ रहा था, जिस वजह से इनको अपनी मैरिटल लाइफ में काफी उठा पटक झेलनी पड़ी। लेकिन आगे चूंकि इनको सूर्य और गुरु का स्टार एक्सचेंज मिला, सूर्य लग्नेश थे और बृहस्पति पंचमेश थे, यद्यपि सूर्य सप्तम में थे बृहस्पति भाग्य में थे, लेकिन इस स्टार एक्सचेंज ने शनि चंद्रमा के स्टार को मतलब शायद ओवर रूल कर दिया और यह फल इनकी लाइफ में घटित हुआ। पहला फल मिला तो दूसरा फल भी मिला, यह नहीं कि दूसरा फल नहीं मिला, दोनों ही फल मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लैनेट अपने स्टार का फल काफी मतलब पोटेंसी के साथ कर रहे हैं, तो इसका ध्यान अपने को रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर दो प्लैनेट हैं, अगर किसी एक ऐसे प्लैनेट के स्टार में चले जाएं जो दशम में ही है, तो उन दोनों प्लैनेट की दशा अंतरदशा में 10th हाउस ऑपरेट हो जाता है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करता हूँ तो उसमें शायद आपको क्लियर हो जाएगा। कमलेश जी, हाँ सर, ये आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, कुंडली जब दिखाते हैं तो? सर वो तो मैं दूसरे, कोई बात नहीं कम से कम ये जो इसका बर्थ डिटेल है, हाँ, वो तो तस्वीर से थोड़ा आराम से दें ताकि अच्छा, लोग अपने क्या लैपटॉप पे इसको लगा के देख सके। तो मैं रिपीट कर दूं या मैं फिर से बोल दे रहा हूँ सारे केसेस? नहीं, कोई एक केस बता दीजिए, जो अगला केस ले रहे हैं आप उसी को बताइए। अगला केस मैं आपको बता रहा हूँ, 31 जनवरी 1963 इलाहाबाद का जन्म, इलाहाबाद। अब इस केस को अगर आप देखें तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है, सेकंड हाउस में राहु और मंगल हैं, लाभ में चंद्रमा है, सेवेंथ हाउस में शुक्र और बुध हैं, अष्टम में शनि सूर्य और केतु हैं, और भाग्य में बृहस्पति हैं। ये स्क्रीन पे आपके सर देख सकते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही एग्जैक्टली यही कुंडली है। आगे अब यहाँ पर अब देखें आप तो यह दशा इसकी ओपनिंग हुई, चंद्रमा केतु के स्टार में था, केतु से यह जातक ने अपनी दशा ओपनिंग की, और केतु इसका अष्टम स्थान पर शनि और सूर्य के साथ में पीड़ित रहे। जैसे ही इसका जन्म हुआ यह जातक चेचक से ग्रस्त हुआ था और मतलब इसके बचने की संभावना बिल्कुल लगभग जीरो थी, फिर भी ये वहां से बच के निकला। अब बच के निकलने में जो योग बनता है, यहाँ जो तीनों ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य शनि और केतु,
आठवें स्थान पर जो सूर्य बैठे हैं वो चंद्रमा के स्टार में है, और जो शनि बैठे हैं वो भी चंद्रमा के स्टार में है, और चंद्रमा यहाँ लाभ स्थान पे आए। तो आठवें घर का जो दोष था केतु के माध्यम से, उसे पार करने की यह एक शर्त होती है कि जो प्लैनेट वहां बैठ रहे हैं, केतु को जो पीड़ित कर रहे हैं, अगर वो किसी जबरदस्त फेवरेबल प्लैनेट के स्टार में हो या लग्नेश के स्टार में हो या चंद्रमा के, और लग्नेश या चंद्रमा बलवान हो, तो निश्चित रूप से वो वहां से बच सकता है, और यह जातक इस तरीके से उस हादसे से बच करके बाहर निकल आया। अब इसके बाद इसको शुक्र की दशा मिली। अगेन शुक्र की दशा में फिर वही चीज चालू हो जाती है कि केतु के स्टार में है शुक्र, और फिर वो वहां पीड़ित था, और शनि और केतु यहाँ क्योंकि चंद्रमा के स्टार में थे, तो जिस समय यह जातक शुक्र की दशा में केतु के अंतर पर आया, इस जातक को जॉब मिल गई। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शुक्र के राहु तक तो यह जातक बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन शुक्र के बृहस्पति से इस जातक का मतलब चैलेंज कम हुआ, और शुक्र के केतु में इस जातक को अच्छी जॉब मिल गई। अब मजे की बात यहाँ पर देखें तो जो बृहस्पति है ये यहाँ अपने ही स्टार में बैठे हुए हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट बनाते हैं। दशा तो शुक्र की ही थी, लेकिन बृहस्पति चूंकि अपने ही स्टार में थे और भाग्य स्थान पर थे, तो यह एक टर्निंग पॉइंट बना बृहस्पति के समय में। बृहस्पति के बाद इनको शुक्र में शनि मिला, जो आठवें घर में ही थे, लेकिन चंद्रमा के स्टार में होने के कारण यहाँ पर इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती चली गई, और इन्हें अच्छी स्कॉलरशिप भी मिली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये स्कॉलर प्राप्त स्टूडेंट रहा। इसके बाद इसको बुध का अंतर मिला, बुध में भी इसकी पढ़ाई अच्छी रही, और केतु में ही इसको जॉब मिल गई। शुक्र के केतु में जॉब मिलना, अब केतु चूंकि चंद्रमा सॉरी सूर्य और शनि के साथ में था, और यह सूर्य और शनि चंद्रमा के स्टार में थे, तो निश्चित रूप से यह जस्टिफाइड है। और मजे की बात है कि जब भी इस जातक का केतु का पीरियड आता है, इसको करियर वाइज सफलता मिल जाती है। इसका जो प्रमोशन भी हुआ वो भी जब राहु राहु और केतु चल रहे थे तब हुआ था। अभी इसको राहु राहु और केतु का पीरियड निकालेंगे अपन, तो उसमें आपको दिखेगा कि इसका प्रमोशन जो है 2012 में जब राहु राहु केतु ऑपरेट हुए तो उस समय हो गया। 22 अप्रैल 2012 जबकि इसके पहले राहु राहु बुध था, राहु राहु केतु चला, राहु राहु शुक्र उसके बाद था, लेकिन इसका जो प्रमोशन हुआ वो केतु में ही हुआ। कहने का तात्पर्य है कि केतु जिसको हम इतना पीड़ित आगे बता आए हैं, अगर किसी तरीके से केतु को पीड़ित करने वाले ग्रह ऐसे प्लेनेट के स्टार में चले जाए जो वेल प्लेस्ड हो, तो निश्चित रूप से इसका जो दोष बनता है जो ऊपर हम डिस्कस कर आए हैं, उससे हम बच सकते हैं और हम निकल आते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक जबरदस्त अपना रिजल्ट है। और यह जातक आज मजे की बात है कि राहु की दशा में है, और निश्चित रूप से जो अपना सामान्य सिद्धांत है राहु का, वो तो यहाँ पे पूरी तरीके से एप्लीकेबल ही है कि राहु इनके धन स्थान पे बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में है, और चंद्रमा और मंगल का ये एक्सचेंज भी है, ये राशि एक्सचेंज है ना। तो ये जो राशि एक्सचेंज है ये हमारा विषय तो इस समय का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। यह एक्सचेंज राहु के राहु इनका जो है चूंकि बृहस्पति से दृष्ट है, अगर आप डिग्री वाइज दृष्टि देखेंगे तो बृहस्पति 21 डिग्री के हैं, तो मिथुन राशि की 21 डिग्री से लेकर के कर्क राशि की 21 डिग्री तक बृहस्पति की पांचवी दृष्टि बनती है, और यह यहाँ पर राहु को कवर करती है। तो राहु यहाँ पर जो इतना अशुभ माना जाता रहा, वह मिथुन लग्न होने के बावजूद इसने अपनी दशा में लगातार इसको प्रोग्रेस किया, और आज भी यह जातक एक अच्छी प्रोग्रेसिव पर विद्यमान है। इस तरीके से अब मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टार का फल इस तरीके से मिला करता है, तो जो हम लोग देख रहे थे कि प्लेनेट उच्च का होने के बावजूद भी या नीच का होने के बावजूद भी उच्च और नीच के फल को त्याग करके अपना दूसरा फल कर सकता है। अभी जैसे इसी केस को हेलो कुछ आवाज नहीं आ रही। अब जैसे इस केस में देखें तो मंगल यहाँ पे नीच राशि में बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न के लिए मंगल योग कारक नहीं होते हैं, ये अलग बात है कि वो लाभ स्थान के स्वामी और आशीष हो जाने से यहाँ पर उनको थोड़ा सा एज मिल गई है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो मंगल यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में है, जो कि स्टार बुध का होता है, और बुध इस कुंडली में लग्नेश है।
तो अब यहाँ पर चूंकि वो लग्नेश के स्टार में थे और बुध जो है लग्नेश होकर के पंचमेश के साथ बैठे हुए, तो इनको पूरे मंगल की महादशा में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस मिली और धन योग भी इनका ऑपरेट हुआ। इस तरीके से जो सामान्य सिद्धांत में चूंकि धन स्थान पर मंगल राहु और आठवें में सूर्य शनि केतु हैं, सामान्य रूप से देखने में बड़ा ही विचित्र टाइप का लगता है और अधिकतर एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कहने का दम भरते हैं कि इस कुंडली में कोई भी दम रहा नहीं, ये कुंडली काफी खराब हो चुकी है, चाहे मेटल लाइफ के एंगल से हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टार का खेल बड़ा जबरदस्त होता है। यहाँ जो आठवें घर में स्टार है उन्होंने चंद्रमा के साथ एक्सचेंज करके अष्टम के दोष को खत्म करने का प्रयास किया, जो अकारक मंगल था वो बुध के स्टार में जा करके अपने दोष को खत्म करने का प्रयास किया, राहु बृहस्पति से दृष्ट होकर के अपने दोष को खत्म करने का प्रयास किया। तो स्टार लॉर्ड अगर फेवरेबल हो जाए तो कहने का तात्पर्य कि बड़े से बड़ा दोष भी उसका कैंसिल हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर स्टार लॉर्ड भी हमारा फंस जाए तो निश्चित रूप से है फिर कुंडली का काफी नेगेटिव फल देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक मेरा लगभग लगभग क्लियर हो रहा होगा और टाइम का आपका इशू भी रहता है, तो अगर अलाउ करें तो मैं आगे और टाइम ले सर, समय का थोड़ा सा नहीं, इसीलिए मैंने किया कि समय के अंदर ही अपने टॉपिक को मैं लगभग असल में आपका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और कम से कम अब हमें ये भरोसा हो गया कि नेक्स्ट टाइम हमें किनको पकड़ना है। हाँ, बिल्कुल, ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये केपी वाला सिस्टम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स इंडीड बीन वेरी गुड। और ये जो प्रिंसिपल आपने समझाया है हम जाहिर है प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा अच्छा होता कि अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाते। अगली बार ये शिकायत नहीं होगी, अगली बार मैं मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इस बार तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे है। एकदम आना पड़ा। थैंक यू वेरी मच।